सभी मंगलाचरण हमारे साथ में पढ़ें। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम, नमः समय साय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचलमणोपमंगलिं पत्ते गोक्षामि समय पाहुड़ विणिमो सुई केवली भणितम्। कर्ता कर्म अधिकार के विभिन्न बिंदुओं पर अपन चर्चा कर रहे हैं। दोपहर के सत्र में गुण स्थान इत्यादि जो प्रत्यय हैं वे कर्म बंध में कारण बनते हैं, यानी जो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है वह कारण नहीं बनता, वह तो अकार्य कारणत्व शक्ति वाला है जिसमें परद्रव्य का कार्य भी नहीं होता और परद्रव्य का कारण भी नहीं होता। तो भले गुण स्थान आत्मा का ही प्रणमन है, ये जो सारी चर्चा है इसका मूल उद्गम स्थल गंगा की गंगोत्री वो क्या है। जैन दर्शन का एक महान सिद्धांत है, भाई साहब अभी वस्तु व्यवस्था की जो बात कर रहे थे, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत् सद्रव्य लक्षणम। ये सूत्र पूरे जैन शासन की आधारशिला है। स्वामी समंत भद्र ने तो वो तो इस सिद्धांत पर इतने मुग्ध हो गए कि भगवान की स्तुति में उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र लिखा, उसमें शायद अरनाथ भगवान की स्तुति में वो कहते हैं, हे प्रभु आपने वस्तु का स्वरूप उत्पाद व द्रव्य कहा है, इससे ही हमें पता चल गया कि आप सर्वज्ञ हो। अच्छा अपन मान लो साक्षात समो शरण में भी जाएं, पारस प्रभु का भी यहां आया होगा, चंद्र प्रभु का भी आया होगा, बहुत से समो शरण आए होंगे, अपन भी बहुत से समो शरणों में गए होंगे, तो जो उनके अनंत चतुष्टय हैं वो दिखते हैं क्या? समो शरण में भी अपन जाएं तो क्या दिखेगा? परमोदारिक दिव्य देह पावन सही क्षुधात्र सा चिंता गय गद दूषण नहीं। शरीर दिखेगा, कोटि सूर्य सम प्रभा दिखेगी, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्त्र गुवनई के ललाम भूत शांत रस शांत रस छवि भीतर आगी नग्न मुद्रा दृष्टि नाशा पै धरे। कोई सर्वज्ञता दिख जाएगी क्या बताओ? क्योंकि वो तो आत्मा का प्रणमन है, आत्मा अरूपी है तो उसके प्रणमन भी अरूपी है, न तो उनका तेरहवां गुण स्थान दिखेगा, न प्रदेशों का कंपन दिखेगा, अरे वे जड़ कर्म भी नहीं दिखेंगे अघादिया जो बचे हैं उनके पास है? तो कैसे आप कह सकते हो कि कोई सर्वज्ञ है? इसके लिए समंत भद्राचार्य ने आप्तमीमांसा नाम का एक ग्रंथ रचा है जिसमें सर्वज्ञ सिद्धि का एक बहुत सुंदर प्रकरण है। पूरे जैन न्याय में सर्वज्ञ सिद्धि एक बहुत कॉमन प्रकरण है, न्याय की पहली क्लास से लेकर के और न्याय की पीएचडी तक ये सर्वज्ञ सिद्धि वाला प्रकरण चलता है। तो समंत भद्राचार्य ने जैसे धुआं देख करके अग्नि का अनुमान किया जाता है ना, धूम से अग्नि का अनुमान करते हैं,
हेतु से साध्य का ज्ञान किया जाता है, तो उन्होंने सर्वज्ञता को तो साध्य बनाया कि जो दिखती नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी में आया कि उत्पाद वेद द्रोही उत्तम सत है, तो ये बात सर्वज्ञ के अलावा दूसरा कोई नहीं कह सकता है। वो कहे तो हम तो कह रहे, तो वो सर्वज्ञ का अनुयायी होगा। मूल माल तो फैक्ट्री तो सर्वज्ञ देव की ही है, सेल्समैन होगा सर्वज्ञ कंपनी का है। अगर कोई दूसरा ये माल बेचे तो समझ लेना वो सर्वज्ञ भगवान का एजेंट है, सेल्समैन है, प्रतिनिधि है, और थोड़ा भक्ति रस में घोल के कहे तो दासानुदास है। किशोर भाई है? भगवान का दासानुदास है। गुरुदेव कहते ना, अरे हम तो मुनियों के दासानुदास हैं। तो आप कहोगे ये कर्ता कर्म अधिकार में ये बात कहां से ले आए तुम, इसकी यहां क्या जरूरत थी? इसकी इसलिए जरूरत है कि उत्पाद व्यय और साथ में ध्रुवत्व, ये नित्यानित्यात्मक, सामान्य विशेषात्मक, एकानेकात्मक, ये सब अनेकांत में वस्तु के भिन्न भिन्न परस्पर विरोधी धर्म हैं, स्वभाव हैं, जिनकी चर्चा अध्यात्म ग्रंथों में भी है, न्याय ग्रंथों में भी है, तत्वा सूत्र जैसे आगम ग्रंथों में भी है। ये ऐसा माल है जो हर दुकान, जैसे कोई कॉमन चीजें होती ना, जो पेटेंट दवाइयां है, सिर दर्द की गोली है, किराने की दुकान पर भी मिल जाएगी, दवाई की दुकान पर भी मिल जाएगी, जनरल स्टोर्स में भी, बोरो प्लस सब जगह मिल जाएगी। समझ में आया ना? ऐसे ये इतनी कॉमन चीज है जैन दर्शन की कि ये आपको हर चैप्टर में मिलेगी, हर अनियोग में मिलेगी। ये भव भवांतर बताते हैं, अगर उत्पाद में द्रव्य नहीं होते तो भवांतर कैसे होंगे? ऋषभ देव कहां से आए थे, कहां से अवतरित हुए थे? सर्वा सिद्धि से। तो वही आत्मा था कि बदल गया? वही आत्मा था। पर्याय वही थी कि बदल गई? बदल गई। आत्मा वही और पर्याय बदल गई। तो बिना उत्पाद में द्रव्य के ये भगवान सर्वा सिद्धि से आए, फिर 83 लाख पूर्व तक ग्रस्त में रहे, फिर मुनि हो गए, 1000 वर्ष तक तपस्या करी, फिर केवली हो गए, फिर 1 लाख पूर्व -1000 वर्ष वाणी खिली, फिर कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे। तो ये कौन पधारे? आदिनाथ ही ना। तो सारी ये जो बात उन्हीं के आत्मा के बारे में है ना, तो अगर वो आत्मा कायम ना रहता तो ये कैसे संभव था ये कहना कि वो ऐसे थे, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, फिर मोक्ष पधारे, फिर वहां कब तक रहेंगे? यो चिंतनि जे मैं थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो, रही हैं अनंत गुण निज माही लोक अलोक गुण, पर जाय प्रतिबिंबित थे, रही हैं अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिण। अनंतानंत काल तक वो जिस सिद्ध पर्याय को ध्रुव कहा है वो वैसी की वैसी पर्याय होती रही। तो जैन न्याय ये बताता है कि सर्वथा कूटस्थ, सर्वथा एकांत अपरिणामी अगर वस्तु को स्वीकार किया जाए तो स्वीकार करेगा कौन? जो स्वीकार करेगी वो तो अवस्था है, वो तो पर्याय है, तो स्ववचन बाधित हो जाए। और सर्वथा परिणामी माना जाए तो ये उस वस्तु का परिणमन है, है? अगर सोने को सर्वथा परिणामी माना जाए, अनित्य माना जाए, तो ये अंगूठी सोने की, सोना तो रहा ही नहीं, वो तो खत्म हो गया, तो सोने की अंगूठी कैसे बोलूंगी? बात समझ में आती है? अगर अंगूठी अंगूठी रहे और अंगूठी में सोना विद्यमान नहीं रहे कायम, तो ये सोने की अंगूठी है ये कैसे कहोगे? तो इस तरह लोक में भी, अभी इतना ज्यादा समय नहीं है, आप अपने चिंतन से ये अच्छी तरह समझ सकते हैं
अगर अपन उत्पाद वे द्रोव युक्तम सत को नहीं माने तो चाय नहीं बना सकते, सब्जी नहीं बना सकते, रोटी नहीं बना सकते, किसान खेती नहीं कर सकता। समझ में आया ना, सोनार को थोड़ा एक तोला सोना देना और फिर कहना कि भैया इसकी अमुक गहना बना दो, 10 ग्राम देने, एक कंगन बना दो, चूड़ी बना दो, तो चूड़ी दी सोना कहां है, ऐसा कोई पूछता है, है? और से भरोसा है कि सोने का कंगन बनेगा तो उसमें ही सोना विद्यमान रहेगा, वो नष्ट नहीं हो जाएगा। तो ये लोक में भी ये व्यवस्था, भले ये भाषा और परिभाषा आम जनता नहीं समझती, हिंदू मुस्लिम जैनी नहीं समझते, जैनी नहीं पढ़ते, जैनी स्वाध्याय नहीं करते, लेकिन इसको मानते जरूर, इसके आधार पर ही लोक व्यवस्था संचालित होती है और अंदर में स्वीकार करने पर मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो ये बात कहने की यहां इसलिए जरूरत पड़ी कि प्रसंगानुसार आचार्य देव ने ध्रुव तत्व, ज्ञायक स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, अकर्ता स्वभाव, इसके गीत गाए, क्योंकि उसकी दृष्टि पूर्वक ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। और एक बहुत बढ़िया बात अभी आई कि जिसमें रुचि होती है उसकी मेहनत ऑटोमेटिक चलती रहती, पहलवान जो है वो रोजाना वर्जिश करता है, पसीना बहाता है, क्रिकेट खेलने वाले रोजाना मैच नहीं हो तो भी खेलते, सैनिक जो है वो रोजाना परेड करते, रोजाना अभ्यास करते, उन्हें उसमें बोझा नहीं लगता है, ख्याल में आया ना। तो इस तरह वस्तु में प्रणमन सहज होता है, उस सहज प्रणमन की बात है। तो अकर्ता स्वभाव बताया, तो कोई अगर सर्वथा अकर्ता मान लेवे, सर्वथा कूटस्थ मान लेवे, कुछ भी प्रणमन नहीं होता, नो चेंज, तो आप जानते हैं इस मान्यता को अपने शास्त्रों में गृहित मिथ्यात्व बोला है। कितने प्रकार के होते गृहित मिथ्यात्व, विपरीत एकांत विनय के, संशया ज्ञान गुणय के, वश होय घोर अग कीने, वचत नहीं जात कहीने। विपरीत एकांत विनय संशय और अज्ञान, तो जो सांख्य मत के अनुसार सर्वथा परिणामी है वस्तु, प्रकृति और पुरुष, उनके यहां सांख्य नाम क्यों दिया उनको मालूम? थोड़ा आपको अगर ये अन्य दर्शनों का जनरल नॉलेज चाहिए हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अध्याय पढ़ें। बहुत साल पहले हमने देवलाली में इसका स्वाध्याय चालू किया था, यूट्यूब पर भी इसके कुछ प्रवचन डाले गए हैं। तो जब हमने 5वां अध्याय पढ़ा भाई साहब, तो जो 2-4 दफे सहरी में कहना पड़ा, इसमें तो 7वें अध्याय जैसा आनंद भरा हुआ। अपन समझते थे बड़ा रूखा सूखा होगा, अन्य दर्शनों की चर्चा होगी, कठिन होगी, समझ में नहीं आएगी, ऐसी धारणा थी पहले सभा में, थोड़ा कठिन पड़ेगा। कई लोग तो जब हम वहां जाते थे ना बंबई पहले उसमें अध्यात्म स्टडी सर्कल में, तो उसके जो चेयरमैन है प्राय 1-2 बार उन्होंने मेरे सामने बोला कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 5वां अध्याय नहीं लिखना चाहिए था, ऐसा बोले वो, और अगर लिख भी दिया है तो अपन को छपा देना चाहिए, दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए। गजब हो गया है। इसमें बुराई का क्या सवाल है, ये सब एक प्रश्नोत्तर टोडर मल जी ने लिखे हैं उसमें कि भैया शराब बंदी के बारे में प्रचार किया जाए तो शराबी लोग कहें और दुकानदार शराब के कहें कि तुम हमारा विरोध कर रहे। अरे तुम्हारा काय के विरोध कर रहे भैया, हम तो लोगों को व्यसनों से बचा रहे। समझ में आया ना। तो मैंने उसी समय उसी सभा में उनको उत्तर दिया कि आपको 5वें अध्याय की जिन बातों में ऑब्जेक्शन है आप उस पर एक किताब लिखो और मुझे दो तो मैं उसके जवाब में एक किताब लिखूंगा। तो सांख्य मत बस उनके यहां 25 तत्व माने गए,
तो संख्या ज्यादा है ना, इसलिए सांख्य बोलते हैं, ऐसा हमको बताया गया। तो एक पुरुष होता है पुरुष, और पुरुष माने आत्मा। एक और बात सुनना, ये जितने भी 363 प्रकार के एकांत मत प्रचलित हुए हैं, ये सर्वज्ञ की वाणी में से ही, सर्वथा वाद में से पैदा हुए। सर्वथा यहां है, कथनचित वहां है, सर्वथा बोलो। गरीब मिथ्यात में और सम्यक्त में एक बाल बराबर अंतर है। कुगुरु कुदेव वाले गरीब मिथ्यात की बात नहीं करता, वो तो मिथ्यात का महापर्वत है, हैं? लेकिन जो दार्शनिक जगत में जो गरीब मिथ्यात की बात चलती है, उनने कहा सर्वथा नित्य, हमने कहा कथनचित नित्य। और ये लिखा है अमृत चंद्राचार्य ने कि जो मिथ्या एकांत रूपी विष को दूर करने वाला मंत्र है स्यादवाद, अगर आप उसमें स्यादवाद का इंजेक्शन लगा दो, स्यादवाद की दवाई डाल दो, तो वो सम्यक ज्ञान में परिणत हो जाए। कथनचित माने अपेक्षा से, और सर्वथा माने बिना कोई अपेक्षा से वस्तु सर्वथा वैसी। दोपहर में कहा था ना अनिराकृत प्रतिपक्ष। तो ये जो प्रकरण है 116 से 120, फिर 121 से 125, पांच पांच गाथाओं के दो ग्रुप बनाए हैं। तो पहली पांच गाथाओं में पुद्गल का स्वभाव परिणामी है, कर्म पुद्गल परमाणुओं में भी परिणमन करने की शक्ति है, तो वो अपनी शक्ति से परिणमित होते हैं। ऐसा आत्मा की गरज नहीं है उन्हें कि आत्मा मिले फिर वो कहे, वो प्रेरणा करे, वो योग और उपयोग लगाए, तब हम परिणमित होंगे। बहुत अच्छे तर्क हैं, इसमें अभी अपन चर्चा करेंगे। और तो प्रथम पांच गाथाओं में उद्गल का परिणामी पना, नेक्स्ट पांच गाथाओं में जीव का परिणामी पना है, और उसके बाद में फिर वही ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना रिपीटेशन क्यों करते। गुरुदेव के सामने भी बार बार आप यही बात कहते हैं, यही बात कहते हैं, यही बात, हर साल वही लघु सिद्धांत के प्रवेश का, वही मोक्षमा प्रकाशक, समय साल को कभी गद्दी में से हटा ही नहीं जीवन भर, वो 19 बार हो गए। अगर और गुरुदेव 10 वर्ष तक हमारे बीच में रहते तो 25 बार हो जाता। वही वही बात, वही वही बात। कई लोगों को अरुचि पूर्वक भी ये शिकायत करते, मैं उनसे कहता हूं रोज वही रोटी दाल चावल, रोज वही रोटी दाल चावल बोलो। अरे कई लोगों की तो ऐसी आदत होती है घर में कोई स्पेशल आइटम बने ना, पकौड़े मकौड़े खीर वीर, तो अभी दो रोटी पहले खा लेंगे फिर खीर वीर बाद में। वो तो टेस्ट की चीज है कि पेट भरने, तो बीमार करने वाली चीज है। वो असली भोजन है क्या? खरे खर तो भोजन का विकार है वो। समझ में आया ना? तो भैया वो राम जी भाई ऐसा बोलते थे, तुम बार बार भूल जाते हो ना, इसलिए हम बार बार कहते हैं। जब तक तुम्हारा अंतर्मुख होकर स्व संवेदन ज्ञान में ऐसा परिणमन नहीं हो जाएगा, तब तक हम कहते रहेंगे, हमें राग है तो हम कहते रहेंगे। समझ में आया? और दूसरी बात, रुचि के विषय में ये जीव कभी उबता नहीं है, बोर नहीं होता। हमारा जब बच्चे हमारे साथ में ही रहते थे तो इस बात पे मतभेद रहता था, वो मैच उन्होंने देख लिया लाइव और फिर उसके हाइलाइट्स भी देख रहे। तो मैं उनसे कहता था कि तुमने कल भी देखा था नहीं, तब दोबारा उसके हाइलाइट्स क्यों देखते हो? तो वे भी चतुर, तो आप भी तो रोजाना न्यूज सुनते हो, वही वही बातें तो आती हैं, वही वही बातें तो आती हैं। तो न्यूज में तो बदल भी जाता है भाई, अरे तो इसमें भी बदल जाता है, कोई नहीं देख पाए तो। रुचि के विषय में जीव कभी भी बोर नहीं होता, उबता नहीं है, और उसमें जो पुरुषार्थ होता है ना, वो पुरुषार्थ की दौड़ भी सहज होती। सम्यक्त वस्तु सहज साध्य है कि यत्न साध्य है? सम्यक्त का पुरुषार्थ सहज होता है। क्या बोला? सम्यक्त का पुरुषार्थ भी
सहज होता है खेल खेल में। वह हे लो लुप्त मामो समस्तोम यदि यतस्तद प्रकाश जगत तत्व अनेकांतमयम महा। काय में है प्रवचन सार का दूसरा कलश मंगलाचरण जिनवाणी का। परमानंद सुधारस पिपासिता नाम हिताय भव्यानाम क्रियते प्रकटित तत्वा प्रवचन सारस्य वृत्तिरियम। जो निराकुल आनंद के परम आनंद रूपी अमृत के प्यासे हैं ऐसे जीवों की प्यास बुझाने के लिए मैं ये प्रवचन सार शास्त्र की टीका लिखता हूं। इसका भी स्वाध्याय हमारे यहां हो चुका है। तो आत्मा और पुद्गल, और एक बात और समझ लेना, अपरिणामी का मतलब क्या है दोपहर में मैंने थोड़ा संकेत किया था। श्रीमद जी की आत्म सिद्धि में एक छंद आता है, जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन भाव कोई कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव। जड़ है वो अनादि अनंत जड़ ही है, तो उसमें जितने भी परिणमन होंगे रूपांतर होंगे पर्यायें बदलेंगी वे सब उसके जड़त्व के स्वभावमय ही होंगी। सोने के जितने गहने बनेंगे सब स्वर्णमय होंगे, लोहे की सांकल बनेगी लोहे की बेड़ियां बनेंगी लोहे के दरवाजे बनेंगे। लोहे की कोई कंगन तो बनवाता नहीं है, समझ में आया ना है। लोहे का जो कुछ भी बने कढ़ाई बनेगी करछली बनेगी तवा बनेगा जो कुछ भी बनेगा वो क्या होगा लोहमय होगा। तो जड़ के सारे परिणमन जड़मय और चेतन के सारे परिणमन, तो चेतन में कभी जड़ रूप परिणमन नहीं होता ये उसका अपरिणामीपना है। ध्रुव है कूटस्थ है यानी वो अपने चैतन्य स्वभाव में कूटस्थ है, समझने की बात है जरा। रूपांतर नहीं होता पर्याय नहीं बदलती ये तो संभव ही नहीं है कि पर्याय ना हो। इसी तरह जड़ भी अनादि अनंत जड़ है वो कभी चेतन नहीं होता, द्रव्य नहीं बदलता ना, द्रव्य द्रव्य का मैं द्रव्य है ना नित्य, या यूं कहो द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है ना। तो द्रव्य क्या है जीव पुद्गल, तो जीव कभी पुद्गल नहीं होता पुद्गल कभी जीव नहीं होता, हो गई नित्यता हो गई। इसी को तो नित्यता बोलते हैं, हमें नित्यता से ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई पत्थर की बड़ी शिला हो और हमेशा वो पत्थर ही जैसा कूटस्थ रहता हुए कभी उसमें कुछ भी परिणमन नहीं होता हुए, ऐसी कोई नित्यता की कल्पना नहीं करनी चाहिए। जो द्रव्य का मूल स्वभाव है वो किसी भी हालत में नष्ट नहीं होता। जगोद में जीव अनंत काल रह आया तो भी उसके चैतन्य स्वभाव नष्ट नहीं हुआ, ये उसका अपरिणामीपना है। और एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरियो भरियो दुख भार, ये उसका परिणामीपना। तो उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत की भाषा बोलो या कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य की भाषा बोलो या अपरिणामी और परिणामी की भाषा बोलो, उसी सिद्धांत को अनेक तरीकों से बताते हैं। यहां कुछ बढ़िया मैं तो कहूंगा मनोरंजक तर्कों के द्वारा जब उनका खुलासा करूंगा तो आपको आनंद आएगा। किसी को नींद आती हो तो भग भी नींद भग जाएगी, वो नहीं भगेगा नींद भग जाएगी। देखो वैसा पढ़ो भैया, जीव में स्वयं नहीं बत नहीं कर्म भाव परिणाम तो ही उदगल द्रव्य भी परिणाम नहीं बने जो जो कर्म भाव परिणमावे जीव पुद्गल द्रव्य को यों जीव उसको परिणमावे स्वयं नहीं पर।
स्वयमेव खुद कल जो कर्म भाव परिणाम जीव परिणाम कर्म को कर्म में ध्या बने खुद गल धर्म जो कर्म परिणाम नियम से कर्म ही बने ज्ञानावरण इत्यादि परिणाम वो ही तुम जानो। देखो प्राकृत में गाथाएं लिखी, उसकी संस्कृत छाया लिखी, फिर उसका हिंदी अनुवाद लिखा, फिर गाथार्थ लिखा, फिर टीका लिखी, फिर टीका का भावार्थ लिखा, फिर उससे गुरुदेव के प्रवचन हुए। कितनी ये समय साल की वंश परंपरा, वंश परंपरा कहते ना, है ऐप बन गया ना समय साल का। तो ये पढ़ने का ये स्वाध्याय का एक तरीका है कि हम गाथा पाठ करें, कोशिश करें कि उसमें से ही उसका अर्थ निकले, और कहीं चूक जाए तो नीचे गाथार्थ देखें। इन गाथाओं में आचार्य देव ने ये कहा है कि अगर पुद्गल द्रव्य में परिणमन करने की शक्ति ना हो तो क्या होगा, ऐसा। तो उन्होंने आपत्ति उठाई है और फिर ये सिद्ध किया है कि इस तरह ये सिद्ध हुआ। ये 64वां कलश है ना, बाद में स्थित विघ्ना कल पुद्गलस्य स्वभाव भूता परिणाम शक्ति अविघ्ना, निर्विघ्न रूप से, निर्विवाद रूप से, नो ऑब्जेक्शन, ये सिद्ध हो गया कि पुद्गल के स्वभाव में भी परिणमन करने की शक्ति पड़ी हुई है। कैसे? तो पहले तो उन्होंने कहा, देखो भाई 116वीं गाथा में क्या है, ये कर्म जो है जीव में स्वयं नहीं बंधे, कर्म रूप परिणमन उनमें अपने आप नहीं हुआ, मतलब परिणमन हुए ही नहीं तो वे बिना परिणमन के हो गए, कूटस्थ हो गए। तो ये तो प्रत्यक्ष बाधित है ना, अरे परिणमन को नहीं मानो तो रोटी कैसे बनेगी, चाय कैसे बनेगी, सब्जी कैसे बनेगी, परिणमन को नहीं मानो तो खेती कैसे होगी, कपड़े कैसे बनेंगे, यानी मोक्ष मार्ग की तो छोड़ो, संसार ही संकट में पड़ जाएगा, संसार की लौकिक व्यवस्थाएं भी संकट में पड़ जाए यदि उद्गल परमाणुओं में परिणमन, क्योंकि सांख्य मत ने माना है। अपन को थोड़ा अटपटा लगता है, जब हम शुरू शुरू में जयपुर गए तो हमें अध्यात्म का रस तो गुरुदेव से लग गया और थोड़ा स्वाध्याय भी हो गया था, लेकिन न्याय और व्याकरण का किंचित भी स्पर्श नहीं था, समझ लो उसमें हम जीरो थे एक तरह से देखा जाए, एम काम करके गए थे। तो थोड़ा ये न्याय की बातें आ रहे हैं तो हमें जी संग ऐसा अपन कहां मानते हैं, ऐसा कौन मानता है। तो बड़ी मुश्किल से ये बात तुम नहीं मानते भैया, तुम्हें संस्कार से, आगम से, गुरु मुख से उत्पाद द्रव्य ये संपत्ति मिल गई है सिद्धांतों की। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी एकांत मान्यता वाले हैं, तो आचार्य को तो सबको फेस करना है ना, वो जमाने में तो अन्य दर्शनों का भी जमाना था। तो अगर कारमान वर्गणा कर्म रूप स्वयं परिणमित ना हो तो क्या होगा, तो ये नाम कर्म, ये आयु कर्म, ये मोहनी कर्म, ये सिद्ध नहीं होंगे, सिद्ध नहीं होंगे, सिद्ध भगवान नहीं होंगे, वो वाले सिद्ध नहीं हैं, सिद्ध नहीं होंगे मतलब वो बात प्रूफ नहीं हो सकती। और कर्म को नहीं मानो तो संसार सिद्ध नहीं होगा, और संसार अगर संसार का लोप हो जाए तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष का भी लोप हो जाए, सब बातें खत्म हो जाए, सर्वशून्यत्व का प्रसंग आए, आत्महत्या करने जैसा महापाप है ये, सर्वथा एकांत कूटस्थ मानना, चाहे आत्मा को चाहे उद्गल। तो उनने कहा सामने वालों ने, आप चिंता मत करो, संसार का अभाव नहीं होगा, आत्मा परिणमाएगा ना उनको,
आत्मा पुद्गल को कर्म रूप पढ़ना, तो तुम्हें तो क्या आयो गुण स्थानों से कर्म बंद होता है, तो जीव विकार रूप प्रणमन करता है, उस प्रणमन से पुद्गल भी कर्म रूप प्रणमन करता है। देखो अपने यहां से लाइट का स्विच दबाते हैं तो लाइट जल जाती कि नहीं है, ऐसे इधर समझ लो विकार की लाइट जली, उधर स्विच दबा, उधर कर्म में प्रणमन हो गया, तो जीव प्रणमन लेगा। उसका बहुत सुंदर जवाब है, एक बात बताओ, उसमें प्रणमन करने की शक्ति तो है नहीं, तो जिसमें वो शक्ति नहीं है उसको जीव कैसे प्रणमन। बात समझ में नहीं आई, अभी थोड़ी कम आई होगी तुम्हारी समझ में आ गई होगी, बाकी सबकी नहीं आई देखो इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है, एक लड़के ने बहुत मेहनत करी, समझ लो बीमार हो गया था तो कॉलेज नहीं जा पाया, परीक्षा में जब नजदीक आई तो बराबर मेहनत की और अच्छे नंबरों से पास हो गया। तभी उसके प्रोफेसर कहते हैं, देखो मैंने उसको पास कर दिया। तो मेरे जैसा कोई आदमी पहुंचा उनके पास, सर आप एक बात बताओ तो एक्चुअल में पास था कि नहीं था, पास होने लायक उसके नंबर थे कि नहीं थे, अगर थे तो तुमने क्या किया, आपने तो केवल घोषणा की है कि हां इस लड़के ने जो कुछ भी लिखा है वो पास होने लायक नंबर इसके हैं, आपने तो एग्जामिन किया है ना, आपने तो जांचा है, पास कहां किया, पास तो वो अपनी ज्ञान की योग्यता से स्वयं हुआ। और अगर वो कहे नहीं 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 उसको तो बिल्कुल ही नंबर नहीं मिलने वाले थे, वो तो मैंने पास कर दिया, तो व्यापम में फंस जाओगे फिर। जिसने वो पीएमटी भी नहीं दी वो भी डॉक्टर बन रहा है, आप तो जानते हो ना व्यापम तो अच्छा सच बताओ, जो फेल हो रहा था उसे अगर तुम पास कर सकते हो तो कितने पैसा लिए तुम, हम किसी से नहीं थे, हम ही को बता दो। यानी एक नियम है कि जिसमें पास होने की योग्यता नहीं है उसे कोई पास नहीं कर सकता है। कभी कभी एक प्रसंग में डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि दुनिया के हर क्षेत्र में बेईमानी हो सकती है, व्यापार में, धंधे में, खेती किसानी में, मिलावट में, नकली खाद में, जहर तक में, समझ में आया ना, शिक्षा के क्षेत्र, ज्ञान के क्षेत्र में मिलावट नहीं हो सकती, बेईमानी नहीं हो सकती। तो लोग कहते हैं क्या बात करते हो, 2 लाख रुपया दो पीएचडी की डिग्री दिलाए देते, 1 लाख रुपया दो एमए की डिग्री दिलाए देते, क्या चाहिए क्या आप तो बताओ हमें, तो कैसे नहीं है एजुकेशन के क्षेत्र में बेईमानी, बेईमानी तो है ही, तुम पगले हो, वो पीएचडी का सर्टिफिकेट मिल सकता है, ज्ञान तो नहीं मिल सकता ना, समझ में आया ना, ज्ञान के क्षेत्र में बेईमानी नहीं हो सकती। कागज के टुकड़ों में वो बिकते हैं, कागज के टुकड़े बिकते हैं नकली, ज्ञान कभी नकली हो ही नहीं सकता, बिकेगा क्या। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि अगर कारमान वर्गणाओं में प्रणमन होने की क्षमता नहीं है तो दूसरा चाहे कितना भी कर ले रहे वो प्रणमाएगा ही नहीं, नहीं नहीं उनमें योग्यता तो है, त्रिकाली नहीं तो क्षणिक सही योग्यता तो है, तो योग्यता है तो वो अपनी योग्यता से हुआ ना प्रणमन, फिर जीव ने क्या किया उसे। हाँ यही तो हम कह रहे हैं कि योग्यता मान लो बात खत्म हो गई, समझ में आ गई ना बात है। इस इन 5 गाथाओं का मूल प्रतिपाद्य विषय पुद्गल में प्रणमन करने की शक्ति है, भले जीव उसमें निमित्त होवे तो भी वो अपनी योग्यता से प्रणमन करके कारमा वर्गणा रूप प्रणमन करता है, उसमें जीव को निमित्त मात्र कहना वो अलग बात है, लेकिन शक्ति तो माननी पड़ेगी। ये इन 5 गाथाओं का संदेश है। तो उसने कहा कि नहीं 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 वो जीव प्रणमाएगा तो संसार सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा माने संसार प्रूफ हो जाएगा,
तो नहीं प्रणमते हुए को कोई नहीं प्रणमा सकता। हम जब छठवीं सातवीं आठवीं में थोड़ी संस्कृत पढ़ी थी, बिल्कुल सामान्य संस्कृत, तो उसमें एक सूक्ति वाक्य बहुत अच्छे, संस्कृत में पास होना बहुत सरल था, बहुत सरल सरल वाक्य आते थे तो उसका अनुवाद करना होता था, दो चार श्लोक आते थे तो उनका अर्थ लिखना होता था, ग्रामर थी नहीं तो वो तकलीफ होती, राम राम राम। तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, देखो उपादान की बात, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। क्या बोला, जिसमें स्वयं की बुद्धि नहीं है, स्वयं का विवेक नहीं है, स्वयं की अक्ल नहीं है, शास्त्र उसके लिए क्या करेंगे, वो शास्त्र पढ़ के भी विषय कषाय का ही पोषण करेगा, वो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ेगा और दुकान में तो खूब मेहनत करेगा और उसे कहो ये तत्व निर्णय करो स्वाध्याय, तो केवली ने जो देखा है सो होना होगा, सुनिश्चित है, केवल ज्ञानी ने शाबाश है, यही तो गुरुदेव को सहन नहीं हुआ कि केवली ने जितने भव देखे हैं तो हम चाहे कितनी मेहनत करें एक भी भव घटने वाला नहीं है, ऐसा उनके एक गुरु भाई थे मूलचंद जी उनका नाम था, तो वो कहते थे। एक बार तो गुरुदेव इससे उतने नाराज हो गए कि जहां ठहरे थे वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले, जहां ऐसी प्रसादहीनता की बात चलती है हम वहां नहीं रह सकते। तो गुरुदेव के जो दीक्षा गुरु थे वो बड़े सज्जन और भद्र परिणामी थे, गुरुदेव की जो प्रतिभा थी टैलेंट वो उन्होंने पहचान, उन्होंने मुमुक्षुओं से कहा वहां उनके श्रावकों से कांजी महाराज को ले आओ, चले गए, अच्छा नहीं, तो आ गए वापस। फिर कुछ दिनों बाद फिर वही रामायण, तो भगवान ने अगर अनंत भाव देखे हैं तो हम क्या कर सकते, एक भी भाव कम नहीं होगा, ऐसा करारा जवाब दिया उन्होंने। भगवान ने अनंत भाव देखे हैं तो भगवान कोई चीज है जो लोकालोक को जानते हैं, ऐसे सर्वज्ञ हैं, इसका भरोसा है तुम्हें, क्या पता सर्वज्ञ हैं कि नहीं, तो तुम कैसे कहते हो हैं हैं सर्वज्ञ हैं। तो जिसने सर्वज्ञता को स्वीकार किया भगवान ने उसके भाव देखे ही नहीं होते, क्या गजब की बात, उस समय समय सार नहीं मिला था, पहले की बात है, कहां से ले आए ये न्याय है। दादा ने इसको इस ढंग से लिखा है कि जिनके अनंत भाव बाकी हैं उन्हें सर्वज्ञता की श्रद्धा होती ही नहीं, जिनके अल्प काल बाकी दो चार भाव ही बाकी हैं, और सम्यक दर्शन तो मान लो दरवाजे पे खड़ा होके कॉल बेल बजा रहा हो, उनको श्रद्धा होती सम्यक की सर्वज्ञता की क्रमबद्ध पर्याय। तो इस तरह यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, अभी वो हम लोग वहां गए थे ना गोमटेश्वर, आप भी थे ना भाई साहब, नहीं थे आप, नहीं थे आप, जैसे ही कोई था। तो 500 विद्वान इकट्ठे हुए थे और उनके तीन तीन चार चार रिश्तेदार और परिवार वाले दो ढाई हजार ही तो थे हमारे दिलीप जी, तो हर बात में ये बात कहां लिखी है, ये बात कहां लिखी है, ये बात कौन सी गाथा में लिखी है। वो लड़का जो है ना हमारे साथ एयरपोर्ट तक आया था बस में, तो उसको मैंने खूब पटिया पटिया के ट्रेन से समझाने की कोशिश की कि आगमार्थ होता है, नयार्थ होता है, मतार्थ होता है, भावार्थ होता है, कहां लिखी है कहां लिखी है, तो अकल भी तो लगाओगे कि नहीं, कि जो लिखी मिल जाएगी तो उसी को पकड़े रहोगे। बाबू भाई एक उदाहरण दिया करते थे, अपने बाबू भाई थे ना है, तो बंबई में बिहार का एक व्यक्ति नौकरी करता था, मजदूरी करता था, उसकी पत्नी बड़ी दुखी थी, गांव में रहती थी, वहां की जगह नहीं बंबई में फैमिली को रख सके, लाखों लोग ऐसे रहते, तो वो अपनी पड़ोसन से बोली भाई तुम्हारे तो पति का स्वर्गवास हो गया तो तुम तो विधवा हो, हम तो उनके जीते ही जी विधवा जैसा जीवन बिता रहे। तो उसके ससुर ने सुन लिया कि बड़ी दुखी है, तो उसने अपने बेटे को चिट्ठी लिखी तुम्हारी बहू विधवा हो गई है अब तुम जल्दी आ जाओ,
ऐसे बाबू भाई उदाहरण देते थे। तो अब वो चिट्ठी पढ़ के रोने लगा, उसके साथी जो कामगार लोग थे, मजदूर लोग, क्यों क्या हुआ? अरे मेरी पत्नी विधवा हो गई है, बड़े दुख की बात, बहुत बुरा हुआ है, हमको बुलाया है, जाना तो पड़ेगा आखिर, पत्नी के साथ सांत्वना देने तो जाना ही पड़ेगा ना। कैसे पागल है, अरे तुम बैठे हो, पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? तुमने दादा ने चिट्ठी लिखी है, वो गलत थोड़ी लिखेंगे। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसमें स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसके लिए क्या करेंगे? उदाहरण, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किं करिष्यति, जिसकी आंखों में ज्योति नहीं है उसको दीपक क्या करेगा और दर्पण क्या करेगा, और कोई निमित्त कितने इकट्ठे हो जाए। तो अगर पुद्गल में स्वयं प्रणमन करने की योग्यता ना हो तो जीव क्या करेगा उसको प्रणमाने के लिए, और नहीं प्रणमेगा तो कर्म नहीं होंगे, कर्मोदय नहीं होगा, संसार नहीं होगा, मोक्ष नहीं, उदय नहीं होगा, तो छह छह उत्सव नहीं होगा, सारी व्यवस्था फेल। तो ये है इन पांच गाथाओं का संदेश, आ गया ना क्लियर? अब इसी लाइन पर जीव को परिणामी सिद्ध किया। देखो निकालो 121 गाथाएं अपने पास, आज समय पर्याप्त है, जब नींद आने लगे तो बता देना है। मुझे तक चालू कितने बजे हो गया था? 7:30, 9 बजे तक भैया, हम तो चला सकते हैं, लेकिन ऐसा है ना फिर ओवर डाइट हो जाए ना। चलो लेकिन हाँ ठीक है, अगर आज में की गोली साथ में रहे। बोलो साहब क्या जी। 121 गाथा पेज नंबर 248। नहीं बद्ध कर्म स्वयं नहीं जो क्रोध भावों परिणम, तो जी पुत पत विषय परिणम नहीं बने। क्रोधादि भावों जो स्वयं नहीं जीव आप ही परिणम, संसार का मतवा सांख्य मत निश्चित हुए। जो क्रोध पुद्गल कर्म जीव को परिणमावे क्रोध में, क्यों क्रोध उसको परिणमावे जो स्वयं नहीं, अथवा स्वयं जीव क्रोध भावों परिणमे तुझ बुद्धि से, तो क्रोध जीव को परिणमावे क्रोध में नित्या बने। क्रोधोपयोगी क्रोध जीव मानोपयोगी मान है, मायोपयुत माया अवरु लोभोपयुत लोभ। क्या करें स्वाध्याय के बिना, कितना अंधकार छाया हुआ है। प्राय अधिकांश लोग समझते हैं, समझ लो कौन समझता है इधर के क्या उधर के, ऐसा भेद करने की जरूरत नहीं। बहुत से लोगों की धारणा समय साल में तो बस त्रिकाली ध्रुव की बात है, भगवान आत्मा की बात है, हैं? तो वो बताने की प्रतिज्ञा करके ही आचार्य ने ग्रंथ लिखा, एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा। लेकिन 9 तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति दिखाई है क्या? 9 तत्व वो पैकिंग है, एक अपेक्षा देखा जाए तो हार्डवेयर, भले जीव का परिणाम है, एक कर्मोदय से 9 तत्व खड़े होते हैं ना, इसलिए वो हार्डवेयर है विमल जी, और चैतन्य स्वभाव वो सॉफ्टवेयर, वो असली चीज। 9 तत्व अगर कमल का फूल है तो चैतन्य स्वभाव उसकी गंध है, समझ में आए, सुगंध है। तो ये सब आश्रव तत्व बंध तत्व, उनके भीतर चैतन्य ज्योति कैसी बैठी हुई है वो दिखाने के लिए वो ये दिखा रहे। और
समय सार में एकांत सदने का वर्णन है, तो जे एकांत सदने लोभोपयुक्त जीव लोभी है, मानोपयोगी जीव मानी है, तो जे सदने का विषय है। सच में कहता हूं कि अगर आप छांटो तो जो दृष्टि का विषय और त्रिकाली शुद्ध स्वभाव वाली गाथाएं हैं वो तो 10% मिलेंगी, समझ में आया ना। और बाकी सब तो 9 तत्वों का भेद रूप व्यवहार कई वर्णन है। अब जीव को परिणामी भी कह रहे, अपरिणामी भी कह रहे, तो जो अनेकांत नहीं है और क्या है, समझ में नहीं आता है। समय सार एकांत, समय सार को पढ़ने वाले जो ऐसी टीवी पे क्लासें आती, एकांती लोग ऐसा मानते हैं, कभी कभी कर भद्र भाषा स्वाध्यायी लोग बड़े बड़े अच्छा लगता है सुन, हाँ कितना अच्छा, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट है, स्वाध्यायी लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा लगता है जे लोग अस्वाध्यायी हैं ऐसा है भैया, ये कितना क्लियर है। नहीं बद्ध कर्म स्वयं नहीं जो क्रोध भावो परिणमे, जीव की बात है, ऊपर प्रतिज्ञा क्या की है, जीव का परिणामित्व सिद्ध करते, संस्कृत में लिखा है जीवस्य परिणामित्वम साधयति। देखो साधयति साधते हैं, जैसे वो रेखा गणित में साध्य होते हैं ना, है क्या, सिद्ध करो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब मैं पढ़ता था तो किसी पकड़ में, अरे जोड़ लो तो हो जाएगा, उसमें सिद्ध करने की क्या जरूरत है, तुम टोटल कर लो ना। दो रेखाएं ए और बी समानांतर है, ठीक है, बी और सी समानांतर है, आपने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना पदांकी, है बी और सी पैरेलल है तो ए और सी भी होंगी, अरे वो तो स्वयं सिद्ध बात है, उसको सिद्ध क्या करना है, तो भी वो ये सूत्र और अब तो हम भूल गए, ऐसा लगता है एक बार फिर से रेखाखंड पढ़ी जाए। और अंत में क्या लिखते थे मालूम, इति साध्य उपपन्नम, ऐसा संस्कृत में लिखते, जब हिंदी में हमको पढ़ाते थे तो ये वाक्य संस्कृत का, इसी इति साध्य उपपन्नम, 22-23 साध्य पढ़े थे हमने, अब पता नहीं वो सब विस्मृति के उसमें चले गए। खैर तो यदि इस जीव का परिणामी पना परिणामित्व साधयति, तो जीव स्वयं यदि कर्मों से न बंधे, स्वयं यद्यपि कर्म बंध को व्यवहार नहीं का असद्भूत व्यवहार है, लेकिन बंधता तो खुद अपनी भूल से है ना, और क्रोध रूप न परिणमे, तो मतलब उसमें परिणमन नहीं है। देखो संसारी जीवों की बात है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो है नहीं, और रागादि भाव रूप तुम परिणमन मानते नहीं, जीव में परिणमन शक्ति नहीं मानते, तो फिर संसारी कैसे हुआ वो, समझ में आया ना। और वो क्या है, एक इंद्री से दो इंद्री में आया, दो इंद्री से तीन इंद्री में आया, तो बिना परिणमन के आ गया। और यदि जीव क्रोधादि भाव रूप स्वयं न परिणमे, तो संसार ही से, वही तर्क है जो पिछली 5 गाथाओं में दिए, संसार ही सिद्ध नहीं होगा, संसार सिद्ध नहीं होगा तो मोक्ष और मोक्ष मार्ग भी सिद्ध नहीं। देखो मैंने दोपहर में एक बात वो व्यवहार ने की बताई थी, वास्तव में व्यवहार के बिना परमार्थ की बात भी नहीं हो सकती। देखो तत्वा सूत्र में एक सूत्र है उपयोगो लक्षणम, जीव का वर्णन किया उपयोग लक्षण वाला, तत्काल दूसरा सूत्र क्या आया, सद्विविधो अष्ट चतुर्वेद और संसारिणो मुक्ताश्च, जीव कितने प्रकार के बताए, संसारी और सिद्ध, और 3 प्रकार के बोलना होवे तो वैरातम अंतर्यातम पर मातम जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, बहिरात्मा अंतर, ये 3 भेद भाई, 4 भेद करना हो तो मनुष्य देव नाम की, और ऐसे ऐसे होते। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सर्वथा अपरिणामी मानो तो जीव के संसार और सिद्ध ये दशाएं सिद्ध साबित नहीं होती, और सर्वथा परिणामी मान लो
तो किसकी है ये अवस्थाएं? समझ में आए ना? तो जीव है, जिंदा तो रहे, टिके तो कम से कम। बौद्ध लोग सर्वथा क्षणिक मानते तो निकाल, जो देखो अपन तप करेंगे, मेहनत करेंगे और वो आत्मा तो नष्ट हो जाएगा और जो सिद्ध होएगा वो कोई दूसरा होएगा। अकलंग देव ने लिखा है ऐसा मुख समय नहीं चाहिए भैया, हाथ जोड़ लो। इससे अच्छा तो वृंदावन की गलियों में सियार हो जाना अच्छे से लिखा है। कृष्ण जी तो घूमते थे, कम से कम उनकी बांसुरी की आवाज अभी भी वेबसाइट पे होगी, हवा में तैर रही होगी। वहां सियार हो जाना अच्छा है वृंदावन की गलियों, ऐसा मोक्ष समय नहीं चाहिए। तो वो क्या कहते मालूम? मोक्ष माने क्या? जैसे दीपक बुझ गया तो मोक्ष हो गया, ऐसे ज्ञान बुझ गया, ज्ञान नष्ट हो गया, आत्मा नष्ट हो गया। अरे अपनी इससे अच्छा तो नरक अच्छा है, जिंदा तो रहेंगे कम से कम, अस्तित्व तो रहेगा, अस्तित्व कायम रहना ये पहली बात है, ये सोचना चाहिए भाई। तो यदि सर्वथा अपरिणामी माने तो संसारी और सिद्ध अवस्था साबित नहीं होती। तो निगाह आप चिंता क्यों करते हो? जो क्रोध कर्म है ना, वो जीव को क्रोध मान माया लोभ रूप मोह रूप प्रणम लेगा, बैठा है ना हेल्प करने के लिए। समझ में आया ना? ये उनका तर्क है सांख मत वालों का। तो आचार्य देव ने कहा अगर उसमें प्रणमन करने की शक्ति ही नहीं है तो वो क्रोध कर्म क्या कर लेगा और जड़ कर्म कैसे परिणाम आएगा? उन्होंने कहा अगर जीव स्वयं क्रोध भाव रूप परिणमित होता है तो क्रोध ने परिणमाया, ये बात गलत था। वही तक वो बच्चा अगर अपनी योग्यता से पास हुआ है तो फिर मास्टर ने पास किया, ये बात है। हाँ, शिष्टाचार के नाते वो देखो उसकी बूढ़ी दादी माँ जो समझ लो मुश्किल से अपने हस्ताक्षर करना भी मुश्किल से जानती होगी, तो भी वो बच्चा विनय से आके दादी माँ के पैर छूता है और माँ मैं आपके आशीर्वाद से पास हो गया, बेटा काय में पास हो गए एमबीए में। मुझे नहीं समझ में आता मैट्रिक पढ़े के नहीं पढ़े, तो एमबीए एमबीए कौन जाने। अच्छा बेटा चलो बहुत अच्छा हमारा आशीर्वाद से पास हो गए। वो एबीसीडी नहीं लिखना जानती है, अपना नाम नहीं लिखना जानती, लेकिन एक विनय है, वात्सल्य है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, इत्यादि इत्यादि जो लोक व्यवस्थाएं हैं उसमें ये सब बोला जाता है। बोलना शोभा का बोलना है, तो अगर आशीर्वाद से ही पास हो गए तो वो लड़का मेहनत क्यों करे? बात समझ में आई ना? तो जो स्वयं अगर उसमें योग्यता नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो संसार रूप परिणमन करने की योग्यता भी जीव में स्वयं में है। अरे प्रवचन सार में तो भगवान आत्मा को एक बहुत सुंदर नाम दिया 16वीं गाथा में। क्या नाम दिया दिलीप जी? स्वयंभू, स्वयंभू। और अपना ये याग मंडल विधान जो वेदी प्रतिष्ठाओं और पंच कल्याणकों में अनिवार्य रूप से किया जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई दफे तो मैंने याग मंडल पर प्रवचन की। तो एक स्वयं प्रभ भगवान है, स्वयं प्रभ भगवान है। अब कौन से 24 के हैं, कहां के हैं मुझे याद नहीं है। स्वयं प्रभ मोक्ष राज्य नहीं देव कोय, स्वयं प्रभ भगवान की स्तुति है। जहां जहां भी ये 20 तीर्थंकर है ना, आपके इंदौर में लिखी है 20 तीर्थंकर के नीचे हमारी स्तुति, 20 तीर्थंकर वंदना है। छठवें तीर्थंकर हैं। मोक्ष राज्य नहीं देवे कोय, स्वयं आत्म बल लेवे सोय। मोक्ष जो है किसी के मांगने से नहीं मिलता, किसी की कृपा से। ऐसा लगता है मोक्ष कोई हीरा हो, माणिक हो, मोती हो, कि प्रधानमंत्री की कुर्सी हुए कि जो किसी ने हमें दे दी, पराई चीज लगती है, ऐसी भाषा बोली जाती ना। अरे भैया मोक्ष पद मिलता, पद माने स्थान होता है, आत्मा की अवस्थाएं। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु परमेश सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही ने
दशा, अहंत दशा, सिद्ध दशा, आचार्य दशा, ये कोई ऐसा पद नहीं है कि जो उन्हें मुकुट बांध दिया और मिल गया। समझ में आया ना, मुकुट बांध दिया और इंद्र बन गए, बड़ा सस्ता है। ये तो आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध अवस्था है। तो स्वयं प्रभु, स्वयं अपने स्वयं पुरुषार्थ से अरंत और सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। यह आत्मा स्वयं भू है, काय के लिए, संसार में रखड़ने के लिए भी स्वयं भू है, समझ में आया, और संसार का अभाव करके शाश्वत सिद्ध भूमि में बैठने के लिए, ऊपर सिद्ध शिला में जाने के लिए भी स्वयं भू। स्वयं भू माने अपने आप होने वाला स्वयं भू। भैया आत्मा तो स्वयं भू है ही, ये खोपड़ी का बाल भी स्वयं भू है। ये परमाणु भी स्वयं भू है, कण कण स्वयं भू है, सारी दुनिया स्वयं भू है। स्वयं भू माने अपने आप परिणमित होने वाला, अपनी शक्ति से टिकने वाला। तो इस तरह जीव यदि स्वयं क्रोध रूप परिणमित होता है तो पुद्गल, फिर पुद्गल ने परिणमाया, पुद्गल ने परिणमाया, इसका क्या मतलब है? अंतिम गाथा देखो, क्रोधोपयोगी कैसे शब्द हैं। उपयोग और क्रोध को मिला के बात करते हैं। उपयोग ही, उपयोग माने आत्मा। देखो युगल जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, ब्लड प्रेशर होने, इसको हो सकता है ब्लड प्रेशर है? इसमें ब्लड ही नहीं है तो ब्लड प्रेशर कहां से? अच्छा सिर में हार्ट अटैक हो सकता है? सिर में हार्ट अटैक हो सकता है? हार्ट में हेडेक हो सकता है? अरे जो जिस जो का जो स्वरूप है उसके विकार भी उसके उस स्वभाव को फॉलो करते। क्या बोला, आम अगर सड़ जाए तो उसकी दुर्गंध आम के रेंज वाली होगी, और सेव फल सड़ जाए या दूसरी रोटी सड़ जाए पड़ी पड़ी तो उसकी दुर्गंध वैसी होगी। तो ब्लड की बीमारी के लिए ब्लड तो होए कम से कम, है? हार्ट की बीमारी के लिए हार्ट तो होए। इसी तरह से क्रोध मान माया लोग बीमारी होने के लिए ये उपयोग होना चाहिए। उपयोग चेतना का परिणमन, ज्ञान का व्यापार, गजब की बात। इसको अपन पलट के देखें तो आप क्रोध में भी क्रोध पने को मत देखो, जो चेतना क्रोध रूप परिणमित हो रही है उस चेतना पर दृष्टि डालो। ऐसा वेद ज्ञान भी इसमें से निकलता है, लेकिन यहां तो क्रोधोपयोगी क्रोध जीव मानोपयोगी मान है। अंतिम अर्थ देखो इसका, इसकी जो गाथार्थ है ना नेक्स्ट पेज पर। इसलिए ये सिद्धांत है, क्रोध में उपयुक्त यानी जिसका उपयोग क्रोधाकार परिणमित हुआ, क्रोधाकार यानी क्रोध के डिजाइन उसमें बन गए, हैं? ऐसा आत्मिक क्रोध है। हमने तो सुना था आत्मा चैतन्य है, और जो समय सार है सब बताता है कि आत्मिक क्रोध है, मान में उपयुक्त आत्मा मान है, माया में उपयुक्त आत्मा माया है, और लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ है। जब मैंने शुरुआत में यहाँ वो पहला कलश लिया था कर्ता कर्म अधिकार का, तब ये बात आई थी कि गेय को जानने वाले ज्ञान को भी गेय कहते, घटाकार ज्ञान को घट कहते, ऐसा उपचार है। लेकिन वो तो असद्भुत व्यवहार का कथन है, यहाँ तो उपयोग अशुद्ध निश्चय से क्रोध रूप परिणमित हुआ। नेक्स्ट पेज पे एक वाक्य का इसका भावार्थ है, सारांश 250 पेज पे देखो। जीव परिणाम स्वभाव है, जब अपना उपयोग क्रोधादि रूप परिणमता है। क्या लिखा, जब अपना उपयोग कौन परिणमता है? उपयोग परिणमता है, परिणमते हुए भी उपयोग अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं छोड़ता। ये द्रव्य दृष्टि की बात हुई, और क्रोध रूप परिणमित हो गया ये पर्याय दृष्टि की बात है। समझ में आया ना, नित्यता की दृष्टि से देखो तो चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, तीव्र हो, मंद हो, मिथ्यात हो, राग द्वेष हो, कुछ भी हो,
पुण्य पाप हो, स्वासुभ भाव हो, पानी के ऊपर ऊपर तैरते। जिसको पानी का स्वभाव पता है वही कह सकता है ये बात, है कि नहीं? तो उपयोग अपने, देखो यहां कह रहे कर्ता कर्म अधिकार में कि उपयोग क्रोध रूप परिणमित होता है। संवर अधिकार में क्या कहेंगे? उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में क्रोध आदि है। तो इसलिए भैया अंतिम समझ लो जो मैसेज है, आचार्य देव ने कहा मैं अपने समस्त निज वैभव से तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा। मानो किसी शिष्य ने पूछा हो कितनी कमाई है, हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने आश्रम हैं, कौन सा वैभव है, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, सर्वज्ञ देव से लेकर हमारे गुरु पर्यंत जो गुरु गुरु परंपरा का अनुग्रह और अंतिम स्वानुभव, इससे हमारे वैभव का जन्म हुआ है। तो भैया आगम का सेवन अगर युक्ति के बिना ना होवे, युक्ति माने नए प्रमाण के बिना, प्रयोजन को जाने बिना, अपेक्षा को समझे बिना यदि आगम का सेवन होगा तो वो अनर्थकारी होगा। इसलिए आगम तो चाहिए, लेकिन आगम के साथ में ये युक्ति भी चाहिए कि यहां कहा तो क्यों कहा, उपयोग में क्रोध आदि रूप परिणमन होता है, और वहां कहा कि तो क्यों कहा, वहां स्वभाव दिखाना है, वहां इसकी परिणमन स्वयं की तत्समय की योग्यता बता। समय काफी हो गया इसलिए यही विराम लेना उचित है। आप लोग जब तक नींद न आए तब तक इस विषय का चिंतन मनन करें, और अभी कल का सेशन भी अपने पास है तो इसलिए आगे की एक दो गाथाओं की और चर्चा अपन करेंगे। अभी यही विराम। धन्य धन्य वीतराग वाणी अमर